हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर उसे क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा दिया ताकि जब प्रभु विष्णु पृथ्वी की रक्षा हेतु आए तो वो उनसे युद्ध कर सके। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए अपनी सृष्टि को। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो विनाश के भस्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा आपकी प्रिय पृथ्वी पर। ऐसे करुण पुकार सुनकर तो मेरी भी आग भराई मां। कल्पना करना भी कठिन है कि अपने संतानों को ऐसे भीषण संकट में घिरे देखकर स्वयं भूदेवी पर क्या बीत रही होगी। केवल भूमि देवी के लिए ही नहीं, प्रभु नारायण के लिए भी वो क्षण बहुत दुखदायी थे। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु को सबसे अधिक प्रिय पृथ्वी ही है, इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि शांत हो जाइए भूदेवी, धैर्य रखिए। आप जानती हैं मैं अपने भक्तों के कष्टों को अनदेखा नहीं करता, विपत्ति में कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। आपकी पीड़ा मेरे हृदय को भी दुख पहुंचा रही है। विश्वास रखिए, सही समय आने पर मैं आपका उद्धार अवश्य करूंगा। शीतल जलधारा के समान आपके इस आश्वासन ने मेरे कष्टों के ज्वालामुखी को शांत कर दिया है। आपकी जय हो प्रभु, सदा ही जय हो। सही समय आने पर, परंतु मां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उनकी कक्षा से अंतरिक्ष की सहज दूरी से हटा दिया था, समुद्र में ले जाकर कीचड़ में डुबा दिया था। सभी प्रतिवासियों का, प्रभु के भक्तों का जीवन संकट में था मां, और ऐसे में प्रभु किस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। संसार में कोई भी घटना संयोग से नहीं घटती पुत्र, विधि का हर विधान पहले से ही निश्चित है। जिस समय प्रभु के सामने पृथ्वी पर संकट मंडरा रहा था, उसी समय ब्रह्मदेव के मन में सृष्टि का विचार आ रहा था। उस विचार से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हो गया। मनु चतुरूपा, अब आप दोनों को ही सृष्टि का सर्जन करना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, पर दसों दिशाओं में जल ही जल है, हम कहाँ जाए। सृजन और पालन पोषण के लिए भूमि की आवश्यकता है प्रभु, हमें पृथ्वी दीजिए। ये कार्य तो केवल नारायण ही कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों को ही उनका आह्वान करना होगा। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। हे जगदीश्वर, अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नए सृष्टि के निर्माण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। हे विश्वेश्वर,
इस पूरी सृष्टि में केवल आप ही हैं, जो पृथ्वी को मुक्त कराकर आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार दे सकते हैं। हम पर कृपा करें प्रभु। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु नारायण ने अवतार लिया है। वराह अवतार। हमारी रक्षा कीजिए महादेव। राक्षस कुल की महारानी और हमारी पत्नी का अचानक अस्वस्थ होना, इसका कारण तो हम नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि कारण जो भी हो, आपकी कृपा से वो अवश्य ठीक हो सकती हैं। उन्हें रोग मुक्त कीजिए प्रभु, उन्हें रोग मुक्त कीजिए। प्रणाम असुरराज। वैद्य जी, आप यहाँ? शुभ समाचार है असुरराज, आप पिता बनने वाले हैं। राक्षस कुल को राजकुमार प्राप्त होगा। बधाई हो, बधाई हो। मैं आपको रत्न से तौल दूंगा वैद्य जी, बहुत अच्छा समाचार दिया है आपने। आज तक मैं और मेरा भाई हिरण्याक्ष ही पूरे संसार पर अपना राज स्थापित कर रहे थे। अब मेरा उत्तराधिकारी जन्म लेगा और निश्चित करेगा कि असुर कुल अनंत काल तक सर्वशक्तिमान रहे। महारानी, महारानी कहां है? महारानी लीलावती, कुछ पल के लिए तो हम घबरा ही गए थे। आपके स्वास्थ्य का समाचार सुनके हम भयभीत हो गए थे और सीधे चले गए अपने महादेव शिव शंकर के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाने। और देखिए, महादेव ने कैसा अद्भुत वरदान दिया है मुझे। बधाई हो महाराज, आपको भी बधाई हो। आपको भी महारानी, आपको भी। हमारे पुत्र को जन्म देंगी आप, इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। अब हमारी ध्वजा संसार में हमेशा हमेशा के लिए फहराई जाएगी। आपने मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ। क्षमा कीजिए महाराज, ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य आन पड़ा जो हमारी प्रसन्नता के क्षणों में तुम्हें विघ्न डालते हुए तनिक भय नहीं हुआ? महाराज, बात क्या है सैनिक, निर्भय होकर कहो। असंभव, असंभव है ये। एक साधारण वराह मेरे त्रिभुवन विजयी महापराक्रमी भाई की निर्मम हत्या कर दे, ये असंभव है। अवश्य ही उस मायावी बहरूपिया विष्णु ने किया है। कपट रूप धरने में कुशल है वो। हिरण्याक्ष ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। मैं उस छलिया को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप भी अपने भाई की तरह मृत्यु का वरण करना चाहते हैं महाराज? क्या आप मुझे कायर बनकर छुपने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव? अपने सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध ना ले, ऐसा कृतघ्न नहीं है हिरण्यकश्यप। आत्मबल का घमंड विनाश का कारण होता है महाराज। श्रीहरि कोई साधारण देव नहीं है, उनको पराजित करने के लिए आपको विशेष शक्ति अर्जित करनी होगी। विशेष शक्ति? उसे कैसे अर्जित कर सकता हूं मैं? इसके लिए आपको भूख प्यास आनंदमय जीवन नाखेट मदिरा मांस सब का त्याग करना होगा। आप मार्ग बताइए गुरुदेव, यदि उस मार्ग पर कांटे भी बिछे होंगे तो भी मैं नग्न पांव चलूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते इस हृदय को अब तभी शांति मिलेगी जब उस वैरी विष्णु का वध करूंगा मैं। अगर ऐसी बात है तो आपकी लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तपस्या। आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए, वो आपके पिता मैं, वो अवश्य आपको मनवांछित वरदान देंगे।
उत्तम सुझाव है। अब अमरत्व का वरदान पाकर ही लौटूंगा मैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भाव महाराज। महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? और ये वस्त्र तो क्या आप तपस्या? असुरों की महारानी हैं आप, ऐसे आंसू बहाना आपको शोभा नहीं देता लीलावती। और अब तो आप अकेले भी नहीं हैं, हमारे राजकुमार असुर कुल दीपक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही दायित्व है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं स्वामी? क्या अपने होने वाले पुत्र को दृष्टि भर देखने की इच्छा भी नहीं है आपके मन में? इच्छा तो बहुत है लीलावती, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं इससे, इसीलिए आज इसे छोड़कर जाना होगा। जब मैं अपनी तपस्या से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लूंगा तो मेरी संतान और असुर कुल को देवताओं से कोई भय नहीं होगा, और तब बहुत ही सरलता से अपने शत्रु विष्णु का भी अंत करके मैं हिरण्याक्ष की निर्मम हत्या का भी प्रतिशोध ले लूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.